India. Yeah. Why? What were you thinking? Huh? What? If I am with the wind. Okay, you are a Vietnamese from Vietnam. You're saying you're from Arabia or what? Why were you asking about that? Where you from? You know English? A little. A little. Have a good day. पता नहीं क्या ही बोल रही है, किसी को समझ में आया तो कमेंट में बताना। गुड़गांव जैसा लग रहा है। गुड़गांव जैसा? गुड़गांव छोटा ये आएगी दरी आएगी। जरी आ जाओ ना यार, खाया जी तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं होटल। मैं पहले जाऊंगा सोने, रात के 2 बजे सोया था घर पे, नींद नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल भी ना फ्लाइट में सो पाया, बहुत अनकंफर्टेबल फ्लाइट थी। हाँ बहुत ही बेकार थी, नहीं था बिल्कुल। वेट जेट ना, वेट जेट बहुत ही बेकार थी। आ गई आ गई, कटपट कर रही थी। इतनी गंदी फ्लाइट में मैं नहीं बैठा कभी। हमारे उधर उधर होता है, इधर यहाँ पे है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके ट्रैवल करने पे, वियतनाम या बाली आप ट्रैवल करोगे या कहीं पे भी आप ट्रैवल करोगे तो उसमें काफ़ी काम आने वाली है वो चीज़। और ये कुछ गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और उससे हमें नुकसान होता है, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो पूरी देखें और इससे कुछ सीख लें और आगे फ्यूचर में आपके जो चीज़ें हमने गलत करी हैं वो आप गलत ना करें, ये आपके काम आए। चलो थोड़ा सा स्विमिंग करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे मार्केट की तरफ और कुछ ख़रीदना भी है। वो अभी सरप्राइज है यार, मैं क्या खरीद रहा हूँ यहाँ वियतनाम से। ज़्यादा करेंसी चेंज मत कराओ, डॉलर हो या यूरो या किसी चीज़ में। अपना कार्ड लेके जाओ, इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। बहुत कम एक्सचेंज रेट में आपको सही पैसे मिल जाएंगे। हमने ये बेवकूफ़ी करी थी, हमें डबल चार्जेस देने पड़ गए थे। यहाँ से पहले हमने चेंज कराया डॉलर इंडियन रुपी से, फिर वहाँ जाके हमने चेंज कराया डॉलर को वियतनामीज रुपी में या बाली रुपी में। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे बढ़िया अपना कार्ड लेके जाओ। इतना ज़्यादा नहीं कटेगा थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन या एटीएम से निकालने पे। लाइक आप 10 लाख रुपए निकालते हो, मतलब 1-1 लाख रुपए के नोट होते हैं वहाँ चलते हैं जो, तो उसमें कुछ नहीं है, 50-60 रुपए कटता है कुछ। और अगर आपके बैंक कम रेट में दे करता है तो आपका 30-40 भी कट सकता है। तो अपना एटीएम लेके जाओ, इंटरनेशनल होना चाहिए, वीज़ा मास्टर कार्ड जो भी है, और उसके मज़े लो। यार वीडियो देख के इतना मज़ा आ रहा है, मतलब लाइक याद कर रहा हूँ। अभी तो एडिट कर रहा हूँ तो वॉइस ओवर कर रहे हैं यहाँ पे। बट एक तो चीज़ यहाँ पे ये है कि राइट साइड में आपको स्कूटी चलानी है आपकी, मतलब आपको गाड़ी स्कूटी वगैरह सब राइट साइड में चलानी है, थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। और हमें बार बार डर भी लग रहा था कि यार हम कोई रूल ना तोड़ दें, हमारा चलान ना कर जाए, लेने ना पड़ जाए। बट कोई चीज नहीं है, मैंने तो अपना लाइसेंस वगैरह भी नहीं बना रखा था इंटरनेशनल, अपना फुल ऑन चला रहा था आराम से। हाँ ये था कि हमारे में से 2 बंदों ने अपना लाइसेंस बना रखा था, तो हम पे ये था कि यार एक अश्योरिटी थी कि लाइसेंस अगर कुछ होगा तो सीधा सीधा वही लाइसेंस पड़ा हुआ है, ये चीज़ हम पे थी। बाकी यार इतने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाली में भी और वियतनाम में भी दोनों जगह लाइसेंस वगैरह का कुछ इतना लफड़ा नहीं है। आप बस ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो तो
बहुत ज़्यादा ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैंने तो हेलमेट पहने हुए नहीं देखे फॉरनर्स को, वो तो ऐसा कर रहे थे जैसे कि अपना ही देश होगा। वहाँ का कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ही चला रहे थे बेचारे आराम आराम से वहाँ पर, क्योंकि हमें कोई अपना लॉस नहीं करवाना था, तो इसलिए हमने पूरे रूल फॉलो वगैरह सब ढंग से करे हैं। बस ये लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाया यार, आराम से मज़े लिए हैं पूरे, ना किसी ने रोका है ना किसी ने टोका है। अभी निकलते हैं, वो जो चीज़ मुझे लेनी है वो लेने के लिए, और उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यही था जो मुझे लेना था यार यहाँ वियतनाम से, और मतलब लाइक ये इंडिया में मिलता नहीं है, तो यहीं मतलब रूम में आता तो मैंने सोचा यार उठा लेता हूँ यहीं से, अब जो भी है ले लेता हूँ। और फाइनली यार बहुत अच्छा लग रहा है इसको लेके, मतलब दे दी है पेमेंट, इतने सारे पैसे दिए हैं भाई साहब इसको लेने के लिए, माई गॉड। पर बहुत अच्छा लग रहा है यार, अपने साइकिलिंग वाले दोस्तों की वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा ऊपर से, नॉवल वगैरह जो भी है, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट निकालूंगा इससे, काफ़ी अच्छी चीज़ें करूँगा। आइडियाज़ काफ़ी हैं मेरे दिमाग में ड्रोन के लिए, और बिल्कुल मतलब उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, और अच्छी चीज़ है यार, गुड, इट्स अ गुड टॉय। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये 250 ग्राम से कम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में आपको 120 मीटर तक आप लेके जा सकते हो और कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा प्लान एयर 3 लेने का था, 4 एयर 3 से थोड़ा महंगा है, बट ठीक है इस समय यही सही है, और मेरा पहला ड्रोन है तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन भी कहा जाता है। A very good morning from Vietnam. The temperature is like 32 degrees Celsius over here. And beautiful Chihuahua right here. Little puppy. And check out the vibe guys here. This is the place we are eating our breakfast today. आशु भैया इसका चीज पुल करके दिखाओ जरा, कितना प्यारा दिख रहा है या इसका चीज पुल देखो यार कितना तगड़ा है ना, चिली सॉस है ये देखो, ये देखो ये है पिज्जा, कहाँ तक ले गए, मजेदार लग रहा है यार ऐसे तो बहुत ज्यादा। I will show you guys the vibe here. दोस्तों एक और चीज़ अच्छी लगी है मुझे वियतनाम में, वो है यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 है। और एक और ज़बरदस्त चीज़ ये लगी है, बाइकर्स और स्कूटी और जो भी मतलब टू व्हीलर राइड करते हैं यार यहाँ धूल नहीं उड़ती, चश्मा नहीं पहना बना के पूरी खुल के एरिया में मेरे साथ होता नहीं है ऐसा कभी भी, मेरे को हमेशा चश्मा चाहिए होता है, ये चीज़ बहुत सही है। आगे वाले ने तो शेड्स पहने हुए हैं बस थोड़ा कोहरे के लिए, और भाई मैं नहीं जा सकता था बिना चश्मे के, फुल ऑन आके खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ नहीं जा रहा है, टच आउट कोई कीड़ा ना जाए। अमेजिंग ऐसी यूनिक है सिटी का, यही चाहिए यार इंडिया में, इसी की कमी है बस, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह सही हो जाए, लोग फॉलो करें रूल्स आए, बिना बात के हॉर्न ना मारे, बिना बात के हॉर्न ना मारे,
वियतनाम बहुत सही है भाई, बहुत सही है भाई, मन करता है यार रहने का। यहाँ खेती हो रही इनकी बढ़िया एकदम। म्यूजिक चल रहा है, वियतनामीज म्यूजिक। और सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो और शेयर करो और खूब सारा प्यार दिखाओ, व्हाट्सएप में अपने स्टेटस डालो और घूमने जाओ यार, वियतनाम वगैरह, बाली बुली बहुत सही जगह है, मज़े लो यार। I don't think I'm alive.